करीना कपूर का जन्मदिन 21 सितंबर को है। सुपरहिट फिल्म जब भी मेट में घर से भागने को हमेशा तैयार रहने वाली करीना एक वक्त सचमुच में घर से भागना चाहती थी और वो मामला भी शादी से ही जुड़ा था, लेकिन किरदार शाहिद कपूर नहीं कोई और था। दरअसल करीना कपूर और शाहिद कपूर के ब्रेकअप के बाद सैफ का करीना की जिंदगी में आना और बात शादी तक पहुँचना भी एक तरह से फिल्मी किस्से से ज्यादा रोमांचक है। 10 साल बड़े एक शख्स से करीना को प्यार होना और घर से भागने की धमकी। टशंक के सेट पर बड़ी थी करीबियां अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ। फिल्म टशंक करते वक्त करीना ने सोचा भी नहीं था कि वो सैफ से इतना इम्प्रेस हो जाएंगी। वो सैफ को औपचारिक तौर पर जानती थी, लेकिन फिल्म में साथ काम करते करते वो सैफ की सहजता और स्टाइल से काफी इम्प्रेस हो गई। उस वक्त करीना शाहिद से दूरियां बना रही थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान आउटडोर में करीना सैफ के नजदीक आई। करीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि सैफ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो औरतों को काफी इज्जत देते हैं। वो औरतों के सशक्तिकरण को सम्मान की नज़र से देखते हैं और उन्हें इस बात पर भी कोई एतराज नहीं कि शादी के बाद कोई लड़की फिल्मों में काम करना चाहती है। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी तो फिल्म इंडस्ट्री में खबरें आने लगी, लेकिन तब भी करीना और सैफ अपने रिश्ते को लेकर इतने सजग नहीं थे कि बात शादी तक आ पाती। फिर इन दोनों ने फिल्म कुर्बान साइन की। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और यह जोड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ दिखाई दी। दोनों के बीच शूटिंग के दौरान ही गहरी बॉन्डिंग हो गई थी और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद दोनों के बीच कोर्टशिप शुरू हो गई और दोनों के रोमांस के किस्से मीडिया में चलने लगे। सैफ तब रोजा के साथ अफेयर खत्म होने के बाद अकेले थे और करीना का साथ उन्हें बेहद अच्छा लगता था। करीना एक बेहद संवेदनशील महिला की तरह सैफ के विचारों का सम्मान करती थी और यही बात सैफ को पसंद आई। जब दी घर से भागने की धमकी। हालांकि दोनों ने जब शादी करने का फैसला किया तो परिवार वालों ने विरोध के बजाय इनकी पसंद का स्वागत किया। दोनों के ही परिवार वालों ने कहा कि वो धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे, लेकिन सैफ और करीना इसके लिए तैयार नहीं थे। जहां एक तरफ सैफ शर्मीले स्वभाव के हैं, वहीं करीना भी अपनी शादी को मीडिया सर्कस नहीं बनाना चाहती थी। दोनों ने अपने परिवार को धमकी दी कि अगर उनकी शादी धूमधाम से की गई और उसे मीडिया की सुर्खियां बनाने की कोशिश की गई तो दोनों घर से भाग जाएंगे और गुपचुप शादी करके लौट आएंगे। धमकी काम आई और दोनों के परिवार कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो गए। 2012 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया और कोर्ट मैरिज के बाद बालकनी से इस कपल ने मीडिया को हाथ हिलाकर फोटो खिंचाए। इसका मतलब था कि हम शादी कर चुके हैं और अब बस करो। हालांकि इस शादी के बाद धूमधाम से पटौड़ी पैलेस में कई आयोजन किए गए जिसमें पूरा बॉलीवुड शरीक हुआ।